आज हमारा फेजर सीरीज का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं फेजर का। उससे पहले आप एक चीज देखिए, डीसी सप्लाई जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर में देते हैं तो इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, और कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ जीरो होती है तो एक्सएल जीरो हो जाएगा और एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे जीरो रखेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है, एसी सप्लाई में जब हम देते हैं एसी सप्लाई जब एल ओ सी को देते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं शिफ्ट, शिफ्ट मतलब फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम फेजर बना पाते हैं। एक और बात, फेजर में मैग्नीट्यूड एंड फेज दोनों वेरिएबल होते हैं। अब आते हैं हमारे अपने टॉपिक पर कि फेजर को रिप्रेजेंट करने के कितने टाइप है। पहले हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फेजर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, और तीसरा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है, सिंपल कार्टेशियन सिस्टम में जैसे हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते थे कि एक्स प्लेन और वाई प्लेन की तरह ही हम यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस जे बी। जे क्या है, जे ऑपरेटर है, मेरी पहली वीडियो में देखिएगा, और जैसे एग्जांपल लिया है 1+J1, तो ये है रेक्टेंगुलर। एक एग्जांपल के थ्रू मैं तीनों को बता दूंगा, इन तीनों सिस्टम को। दूसरा है पोलर। पोलर में हम कैसे लिखते हैं, एंगल्स के थ्रू लिखते हैं, आर एंगल थीटा। और जैसे इसका 1+J1 है तो इसका आर कैसे निकालते हैं, आर निकालते हैं √a² + b² 1 का स्क्वायर + j के साथ जो है तो √2 आया और 45 है। एंगल कैसे निकालते हैं, थीटा टेन इनवर्स माइनस 1/1 तो 45। ये सब आएगा अभी एग्जांपल में बता देंगे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म √re^j θ, जो एंगल होगा वही लिखा जाता है। ठीक है, ये तीन टाइप हैं हमारे जिनसे हम एसी फेजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू इन तीनों फेजर, तीनों टाइप्स को लिखने का मेथड सीखते हैं। देखिए, अब मैंने एक एग्जांपल लिया है फेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। एसी क्वांटिटीज है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारी एसी क्वांटिटीज है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फेजर में। उससे पहले आप एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, जो क्लॉकवाइज होगा एंगल, हम जो क्लॉकवाइज लेंगे ऐसे करके, वो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जो ऑपरेटर, इसमें भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जैसे हमने निर्देशांक ज्यामिति ज्योमेट्री का चैप्टर जो होता था मैथमेटिक्स में, वैसे हम अगर एक्स और वाई प्लेन है तो वहां पर x+JY लिखे या IY लिखे, उसका हम जो मैग्नीट्यूड निकालते थे जिसको हम R कहते हैं, वो कैसे निकालते थे, √x² + y², और एंगल कैसे निकालते थे, θ = tan inverse j के साथ वाला y/x या I के साथ वाला y/x, ऐसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने पॉइंट पर, अपने एग्जाम्पल पर। ठीक है, ये मेरा, और मैंने यहाँ पर एक चीज और मानी हुई है कि यहाँ पे जितनी भी दूरियां हैं लेंथ है, वो कितनी है, वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 है। ठीक है, तो आप ये बताइए मुझे ए की दूरी कितनी है, 1 है, तो ए जो फेजर है वो किसके बराबर होगा, 1+J0, क्योंकि यहाँ पर कोई कितना शिफ्ट है, 0 डिग्री, तो जे कितना है, 0 है, तो इसको यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसका मतलब हो गया j 0। दूसरी बात, अब इसका अगर पोलर फॉर्म होता तो क्या होता, 1 का स्क्वायर + y का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर कितना है, 1, एंगल कितना है, 0 डिग्री, ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, 1 यानी मैग्नीट्यूड e^j θ, थीटा कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, इज दैट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट क्या है, बी यहां से की दूरी 1 है और यहां से भी दूरी 1 है, ये दूरी आप देखेंगे तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसका मतलब बी क्या हुआ, 1+J1। अगर इसको पोलर में देखेंगे तो यहां से आर कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √2, और एंगल कितना है, 10 inverse 1/1 दैट इज 45 डिग्री, तो कितना आया, 45। और इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, √2e^j45। नेक्स्ट सी भी ऐसे ही लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सी पर कितना है एक्स एक्सिस में, 0 + j1, यहां पर क्या है, जे ही है, 0 है ये इस वाली एक्सिस में, तो इसका अगर हम रूट निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, तो वो कितना आएगा, 1
90 डिग्री, कितना आएगा 190 डिग्री, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और यहां पे अगर हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल में तो ये 90 डिग्री, ठीक है। डी पॉइंट पे आइए, डी पॉइंट पे क्या है, देखिए ये वाला जो दूरी है ये जे, ये है माइनस वन, इस डायरेक्शन में क्या है माइनस वन, और ये कितनी दूरी है, ये है जे पॉजिटिव, तो इसका डी का फॉर्म क्या होगा, वन सॉरी माइनस वन प्लस जे वन, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली दूरी माइनस है और ये वाली दूरी प्लस है, तो माइनस वन प्लस जे वन, तो इसका जो अगर हम लिखेंगे तो रूट टू आएगा मैग्नीट्यूड, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट टू आएगा, और एंगल कितना होगा 135 डिग्री। ये एंगल आप इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं रूट टू ई की पावर 135 जे। ई पे आइए, ई पे क्या है, जे तो है ही नहीं, यहाँ पर क्या है माइनस वन है सिर्फ, तो इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या हुई, माइनस वन प्लस जे जीरो, ठीक है। और एंगल कितना हो, यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वन आएगा, और एंगल कितना है 180 डिग्री, यानी वन ई की पावर जे 180 डिग्री। एफ पॉइंट पे आइए, एफ पे क्या है, एफ पर माइनस वन माइनस जे, जे भी नेगेटिव है और ये रियल एक्सिस वाली भी नेगेटिव है, तो क्या हुआ माइनस वन माइनस जे, इसका भी अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट टू ही आएगा, और एंगल कितना होगा 225, तो यहां से रूट टू ई की पावर जे 225। अगर मैं जी पॉइंट देखूं, जी पे क्या है, सिर्फ ओनली क्या है, हम एंगल बेटा ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, 90 180 270, जी पे क्या है ओनली माइनस जे पॉइंट है, कौन सा है जीरो माइनस जे वन, ये मैं बता चुका हूं आपको, जे ऑपरेटर में यहाँ माइनस जे होता है, यहाँ पे जे होता है, या माइनस वन होता है या जीरो होता है, ठीक है, जे जीरो होता है, जे की पावर जीरो यानी वन होता है, तो यहाँ जी की वैल्यू क्या हुई जीरो जे माइनस, ठीक है, इसका हम निकालेंगे तो क्या आएगा वन की वन और 270 डिग्री, ठीक है, वन ई की पावर जे 270 डिग्री। एच हम देखेंगे, एच एच कितना हुआ, एच में माइनस क्या है, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, यानी वन माइनस जे वन, तो वन माइनस जे वन, इसका भी हम निकालेंगे तो रूट टू आएगा, और एंगल आएगा आपका 315 आएगा, ठीक है, और एंगल क्या हो, यहां पर क्या आएगा रूट टू ई की पावर जे 315, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का देखो तरीका है, अब देखिए फेजर घूमता कैसे, देखिए अब मैं दिखाता हूं आपको फिजिकल मतलब, देखिए फेजर कैसे घूम रहा हो, कोई क्वांटिटी है, एसी की क्वांटिटी है और वो ऐसे घूम रही, तो कैसे घूमेगी, वो ऐसे करके घूमेगी, ऐसे करके फिर ऐसे करके घूमेगी, वो ऐसे घूम रही है, ठीक है, यही एसी का रूप है, एसी ऐसी तो घूमती है, यानी वो इस एंगल में घूम रही है, रोटेशन कर रही है, ऐसे करके रोटेशन हो रहा है एसी का, ठीक है, ये निरंतर बदलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमने वन ले लिया था, कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम रेक्टेंगुलर को पोलर में कैसे चेंज करते हैं, पोलर को रेक्टेंगुलर में, एक्सपोनेंशियल में, वगैरह वगैरह, ठीक है, थैंक यू सो मच।